जिया ने मांगी अभिषेक से माफी, अविनाश हुआ जिया से नाराज। वेल, बिग बॉस के घर में हमने देखा वीकेंड के वार में टेरेंस आकर घरवालों के साथ एक भूखा टास्क खेलते हैं, जिसमें जिया अविनाश का नाम गेस करती है जो कि गलत होता है। इस वजह से अविनाश जिया से काफी ज्यादा नाराज भी होते हैं। जिया एक नाम बेबिका का भी गेस करती है जो कि गलत होता है, जिसके बाद बेबिका जिया को समझाती भी है कि वो इकलौती इस घर में ऐसी है जो सच बोलती है और जो भी बोलना होता है मुँह पे बोलती है। बेबिका जिया से ये तक कहती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद जिया बेबिका से माफी भी मांग लेती है। जिया मनीषा से पूछती है कि क्या वो कमेंट उन्होंने किया है। अविनाश जिया से काफी ज्यादा नाराज भी नजर आते हैं। जिया को अभिषेक पर शक होता है। वही जिया अविनाश से माफी मांगती है, लेकिन अविनाश उनसे सही तरीके से बात नहीं करते हैं। वही अभिषेक कहते हैं कि पूजा ने जो उनके लिए बोला वो उन्होंने बिल्कुल भी उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। वही अभिषेक जैद से भी कहते हैं कि वो स्लैंग यूज नहीं करते, तो वो जो भी कन्वर्सेशन और कमेंट्स है वो उन्होंने नहीं किए हैं। मनीषा जिया को बताती है कि उन्होंने फलकनाथ से कुछ और बात की थी जिया और जैद के बारे में, लेकिन उसमें ये कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं था। वही बेबिका अभिषेक को बताती है कि फलकनाथ ने पूरी कन्वर्सेशन अभिषेक की तरफ मोड़ दी है। अभिषेक जिया को बताते हैं कि साइरस ने उस इंटेंशन से वो गालियां नहीं दी थी, वो बात अभिषेक के सामने की ही है। जिया ये सारी बात समझ भी जाती है। वहीं मनीषा फलकनाथ से अपनी बात को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है, लेकिन फलकनाथ मनीषा की बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होती और उनसे कहती है अब शो में हम चालाकी दिखाएंगे। अभिषेक भी जिया को समझाते हैं कि वो स्टेटमेंट्स जो भी बोली गई है वो मजाक में है, वो जिस तरीके से शो की गई है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन बात ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जो उसमें दिखाई गई है। मनीषा जिया और अविनाश के मेंटेलिटी भी ऐसी ही होने की बात कहती है, क्योंकि उन्होंने अब्दू और मनीषा के बारे में ऐसे कॉमेंट्स किए होते हैं। वही अविनाश जिया से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होने की बात कह रहे होते हैं। जिया रैंडम नाम लेने की बात भी अविनाश को बताती है। इसके बाद अविनाश का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क जाता है जिया पर। अविनाश जिया को अपना होने का मतलब समझाते हुए भी नजर आते हैं। अविनाश जिया से कहते हैं कि रिश्ता रखना है तो रखो, नहीं तो सब खत्म करो। अविनाश जिया से अपनी फ्रेंडशिप को भी एंड कर लेते हैं। वही अविनाश जिया के एटीट्यूड के ही गलत होने के बारे में बात कह रहे होते हैं। जिया भी अविनाश से लड़ाई करती हुई नजर आती है। वही जिया अविनाश में रिश्ते की कदर न करने की बात भी कह रही होती है। जिया अविनाश के रिश्तों से भागने की बात भी कह देती है। वही जिया कहती है कि वो रिश्ता ऐसे खत्म नहीं करती और अगर वो एक बार रिश्ता जोड़ती है तो उसे हमेशा निभाने की कोशिश करती है। जिया के अविनाश का इस बात को लेकर काफी ज्यादा झगड़ा भी हो जाता है। वही फलकनाथ दोनों की लड़ाई को शांत कराने की कोशिश करती है और दोनों को समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन पहले कोई भी बात नहीं सुनता। उसके बाद जिया खुद ही काम डाउन होकर आती है और अविनाश को समझाती है और वापस से उनसे अपनी लड़ाई को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही होती है। पर आपका जिया और अविनाश के इस झगड़े पर क्या कुछ है कहना हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।